डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास टेंथ का ज्योमेट्री से है, ज्यामिति से। और ये चैप्टर का जो नाम है त्रिभुज है, जैसे कि हम यहाँ लिख दिए क्लास टेंथ, ठीक है, मैथ क्लास टेंथ, आपका प्रश्नावली 6 से है, त्रिभुज चैप्टर से है, डॉक्टर मनोहर रे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपके समझ में बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। हम आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बता देंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे। और प्रश्न क्या है, प्रश्न हम यहाँ लिख दिए हैं, हम आपको इसका सलूशन आराम से बताने जा रहे हैं, ठीक है। कहीं मत जाइएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ दिया है समरूप आकृतियाँ, सॉरी, निम्न युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। युग्म दिया गया है, युग्म का, ठीक, एक समरूप आकृतियां और एक ऐसी आकृतियां हो जो समरूप नहीं है। आपको दो आकृतियां दी गई है, आपको खोजना है, दो उदाहरण देना है, पहले के लिए जो समरूप हो और दूसरे के लिए दो उदाहरण देना है जो समरूप नहीं हो। तो समरूप का मतलब क्या होता है, सम प्लस रूप, मतलब जिनका आकार एक जैसा हो उन्हें हम समरूप कहते हैं। अब समरूप होते कौन है, समरूप हुए होते हैं ऐसी आकृतियां जिनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और संगत कोण समान हो। तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलते हैं, समरूप आकृति बोलते हैं, ठीक है। संगत भुजा क्या है, संगत आकृति क्या है, ये अभी आप यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका पहला है, पहले के लिए आंसर आपका हो गया, यहाँ लिख दीजिए, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, सभी समबाहु त्रिभुज। एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण लिख दो सभी वर्ग, सभी वर्ग। अब वर्ग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना, वर्ग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके संगत भुजा का अनुपात एक जैसा होगा, संगत कोण का अनुपात, संगत कोण एक जैसा, संगत कोण समान होगा, असंगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज आता है, जैसे मान लो आपने ये एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, मान लो इसका लेंथ 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 60 अंश होगा, ये 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा। अगला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, 60 60 सब होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। अब आप देखो 4/6 बराबर होगा, 4/6 बराबर होगा, 4/6 होगा कि नहीं, ये इसका संगत है, ये वाला इसका संगत हो गया और ये वाला इसका संगत हो गया। अब देखो सब 4/6 है, संगत भुजा समान हो गया, संगत कोण भी क्या है, समान है, 60 अंश से भी है, 60 अंश से भी है, ये भी 60 अंश 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 है। तो इसलिए ये एक उदाहरण हो गया, ये इसलिए यह त्रिभुज इसके समरूप होगा। इसी तरह से मान लो ये एक वर्ग है, मान लो ये एक वर्ग है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका वर्ग है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, मान लो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक। मान लो ये एक वर्ग है, ये मान लो 4 है, 4 है, 4 है, 4 सेंटीमीटर है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश ही होगा। अब संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, 2/4 बराबर 2/4 बराबर 2/4 बराबर 2/4, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये वाला होगा, इसका संगत ये वाला होगा। तो देखो संगत भुजा का अनुपात समान हो गया, प्रत्येक कोण 90 अंश भी है, ये भी 90 अंश, 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 ये भी 90 अंश। तो संगत कोण भी समान है, संगत भुजा भी समान है, तो इसलिए क्या हो गए, ये समरूप हो गए। दूसरा दिया ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसके लिए दो उदाहरण दे दीजिए। तो ये काम दे दीजिए, त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज लिख दो और त्रिभुज के साथ लिख दो चतुर्भुज, ठीक है, त्रिभुज लिख दो, चतुर्भुज लिख दो, या ऐसा लिख दो, क्या बोलते हैं, यहाँ समबाहु त्रिभुज लिख दो, समबाहु त्रिभुज, और इसके साथ में लिख दो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु
त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये एक जैसे नहीं होंगे। इनके भुजा की लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी, तो संकर भुजा का अनुपात समान नहीं हो सकता है। एक उदाहरण और भी लिख सकते हो, एक उदाहरण और लिखना है तो जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज के साथ चतुर्भुज को लिख सकते हो, ये भी समरूप नहीं होंगे। इसके बाद में एक उदाहरण और लिखना है तो एक उदाहरण आप और लिख दीजिए, जैसे आप लिख दो, यहाँ लिख दो सम चतुर्भुज के साथ वर्ग को लिख दो, ठीक है ना। सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, वर्ग के भी चारों भुजाओं की लंबाई समान, समांतर भुजा का अनुपात तो समान होगा लेकिन कोण बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, असम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है। तो इस वजह से ये भी आपका हो गया, ठीक है, पहले का आंसर। अब दूसरे वाले में दिया है कि बताइए समरूप है या नहीं। तो देखो इसका पीएस बटे डीए बराबर हो जाएगा 1.5/3, बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 1.5 का मतलब डेढ़ हुआ, डेढ़ गुणी 3, या 10 हटाओ तो 15/30 हो जाएगा, तभी 1/2 आएगा। इसी तरह से एस आर का संगत क्या होगा, सी डी बराबर हो जाएगा 1.5/3, ये भी हो जाएगा 1/2। इसी तरह से आर क्यू का संगत सी बी, आर क्यू का मान 1.5, सी बी का मान 3, इसको भी काटोगे ये भी 1/2 आएगा। इसी तरह से पी क्यू है तो पी क्यू का संगत कौन होगा, ए बी, तो हो जाएगा 1.5/3, काटोगे ये भी 1/2 आएगा। तो संगत भुजा का तो अनुपात समान हो गया, संगत भुजा का अनुपात समान हो गया, लेकिन ये आपका वर्ग है, इसका प्रत्येक आप देखो ऐसे देखने से ही लग रहा है ये कौन बड़ा है, ये कोण बड़ा है और ये दोनों कोण छोटा है और इसमें सभी कोण एक जैसे हैं, तो मतलब भुजा का अनुपात तो समान है लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो इसलिए समरूप नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे समरूप नहीं है, ठीक है ना। संगत भुजा का अनुपात तो समान है लेकिन इसके कोण समान नहीं है। अब समरूप के लिए कंडीशन है कि संगत भुजा का अनुपात भी समान होना चाहिए और कोण भी बराबर होना चाहिए, तभी माना जाएगा समरूप त्रिभुज, मतलब समरूप आकृति। तो ये समरूप आकृति नहीं है, ये भी एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है। अब आपको बताना है समरूप है या नहीं है, तो आप देखो, ठीक है ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। देखो ए बी, ठीक है ना, ए बी, ए बी का संगत कौन होगा, पी एस बराबर, तो ए बी बटे पी एस बराबर क्या है, 2.1/4/2 इसको जब काटोगे तो 21/42, 1/2 आएगा। अब यहाँ आ जाओ बी सी, तो बी सी का संगत कौन है, एस आर, तो बी सी का मान कितना है, 2.4, एस आर का मान कितना है, 4.8, तो 24 x 24 = 48, तो 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो दशमलव हटाओगे तो ऊपर नीचे का खत्म हो जाएगा ना, ये 24 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब आते हैं सी डी, तो सी डी का संगत कौन है, आर क्यू है। अब इसके बाद में सी डी का संगत आर क्यू है, तो सी डी का कितना है, 2.5, तो 2.5 हो गया। आर क्यू का कितना है, 5.0, तो हो जाएगा 25/50 हो जाएगा, 10 हटा देंगे ऊपर नीचे, 10 के बाद एक अंक है, तो 25 x 25 × 50, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। अब आ जाते हैं एडी, एडी, एडी का संगत कौन है, एडी का संगत है पी क्यू, तो पी क्यू लिख दीजिए। अब एडी का मान कितना है, 1.5, तो 1.5 हो गया। पी क्यू का मान कितना है, 5.0, तो 5.0 हो गया। अब हो जाएगा 15/30, 15 × 15 × 30 बराबर हो गया 1/2। अब आप देख सकते हो सबका मान 1/2 आया, तो संगत भुजा का अनुपात समान हो गया। अब कोण देख लेते हैं, यहाँ देखो ए बराबर है पी के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के,
ठीक है, एंगल बी बराबर है एंगल एस के, एंगल बी बराबर है एंगल एस के, चूंकि देखो एंगल ए का मान 105 अंश है, पी का मान भी 105 अंश है, एंगल बी का मान 85 है, एंगल एस का मान भी 85 है। अब एंगल सी बराबर किसके है, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। फिर एंगल डी बराबर किसके है, ये भी 70 है, ये भी 70 है, एंगल डी 100 है, एंगल क्यू 100 है। तो एंगल डी बराबर क्या हो गया, एंगल, एंगल डी बराबर हो गया एंगल क्यू के। तो आप देख सकते हैं संगत भुजा का अनुपात समान है, 1/2, 1/2, 1/2, असंगत कोण भी समान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज इसके समरूप है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समरूप, ऐसे चिन्ह लगा दीजिए या ऐसे लिख दो चतुर्भुज, यहाँ लिख दो, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप चतुर्भुज पी क्यू आर एस, मतलब ये समरूप है। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके पश्चात फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।